चमोली में ग्रामीणों ने की एटीएम लगाने की मांग, पैसे निकालने पर 15 किलोमीटर दूर जाते हैं ग्रामीण। देहरादून में अब बिना कोरोना जांच के होगी चारधाम यात्रा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया नियमों का विरोध, कहा लोगों की जान के से साथ हो रहा खिलवाड़। हरिद्वार में सट्टेबाजों पर पुलिस का शिकंजा, सट्टा लगाने वाले 4 सटोरिए गिरफ्तार, आईपीएल मैच पर लगाते थे सट्टा। हरिद्वार में लंबे समय से नहीं बन रहा राशन कार्ड, आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया, उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। मसूरी में एबीवीपी ने किया कैंडल मार्च, हाथरस की गैंगरेप पीड़िता को दी श्रद्धांजलि, पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की। नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ हिमा। विकासखंड जोशीमठ के तपोवन बाजार में ग्रामीणों ने एटीएम लगाने की मांग की है। बता दें तपोवन में अभी तक एक भी एटीएम नहीं है, जिससे वहां के लोगों को पैसे निकालने के लिए जोशीमठ जाना पड़ता है, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने कई बार डीएम को भी पत्र लिखकर तपोवन में बैंक एटीएम लगाने को कहा था, लेकिन अभी तक कोई भी एटीएम नहीं लग पाया है, जिससे यहाँ के लोगों को पैसा निकालने में 15 किलोमीटर दूर जोशीमठ आना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है तपोवन सीमांत क्षेत्र में होने के साथ साथ नीति मलारी को जोड़ने वाला मार्ग है, आपातकाल में लोगों को एटीएम के ना होने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नहीं, आपने नहीं भाई इस बारे में हम मैं खास कर जान बताता हूँ, मुझे एक बैठक मौजे को भी मैंने दे दिया है प्रस्ताव, और उनको ये भी बताया गया कि तपोवन जो है पंचायत स्तर का बड़ा क्षेत्र है और सीमांत क्षेत्र का उसका, और यहाँ पे हमें बार बार दिक्कत यही आती है कि एक बैंक होने के कारण नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, जिससे तो इससे काफ़ी लोग परेशान हैं। तपोवन एक न्याय पंचायत क्षेत्र, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, और जहाँ तक एटीएम की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ग्राम प्रधान खुद भी जाके डीएम महोदय से भी 2-3 बार मिल करके भी उनको एप्लीकेशन दे के आए हैं, और ये सीमावर्ती इलाका होने के कारण भी देखिए बॉर्डर का एरिया है, काफ़ी आर्मी वाले यहाँ पे आते हैं, तो जब वो आते हैं तो एटीएम नहीं उनको मिलता है, तो कैश नहीं मिल पाने से उन्हें काफ़ी निराशा होती है, और क्षेत्र में भी अगर एटीएम लग जाए तो हम लोगों को एटीएम यूज़ करने के लिए जोशीमठ में जाना पड़ेगा। पुष्कर हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर लाइव जुड़े हैं। पुष्कर, जिस तरीके से उत्तराखंड में चाहे सरकारें हों, विपक्षी पार्टियां हों, पहाड़ और पहाड़ के लोगों के लिए काम करने की बात करती है, उन तक सुविधाएं पहुंचाने की काम करती है, लेकिन एक एटीएम जो बहुत ज़रूरी चीज़ है आज की इस व्यवस्था में, वो 15 किलोमीटर दूर है और उसके लिए लोगों को धरना करना पड़ रहा है, मांग करनी पड़ रही है। बात करती है कैसे इसकी बात करती है तो जनपद चमोली जो है सीमांत जनपद भी है, आर्मी रहती है, ये मामला जो है तपोवन ब्लॉक का है, तपोवन से जोशीमठ की दूरी जो है 15 किलोमीटर है, यहाँ के लोगों को यदि पैसा निकालना होता है तो जोशीमठ आना पड़ता है, बैंक तो हले भले ही है लेकिन यहाँ पे जो एटीएम की सुविधा नहीं है, लोगों को ट्रांसफर करना पड़ता है, आए दिन जो बैंक में कनेक्टिविटी दी जाती है, डिजिटल इंडिया की बात तो पूरी सरकार करती है, लेकिन तपोवन एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ पे जो कंपनियां भी काम करती हैं, आर्मी भी यहाँ पर रहती है, सारे लोग भी रहते हैं, तो कई बार उन्होंने विभाग से लेकर चाहे स्टेट बैंक हो चाहे आपका जो तपोवन के भी बैंक है, सबके यहाँ लेटर दिया कि एटीएम दिया जाए, लेकिन अभी तक तपोवन के ग्रामीणों को एटीएम नसीब नहीं हुआ, और जिला अधिकारी महोदय इसके साथ ये भी मिले थे, ग्रामीण भी मिले थे, एटीएम लगाने के लिए इन्हें धन्यवाद, डिजिटल इंडिया की बात या डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं, तो अभी भी जो है तपोवन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जोशीमठ ब्लॉक से 14-15 किलोमीटर की दूरी है, तो यहाँ के लोग अभी भी जो है एटीएम के लिए गुहार लगा रहे हैं, तो आने वाला समय बताएगा, क्या पता यहाँ पर उनको एटीएम की सुविधा मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, तो आने वाला वक्त बताए, लेकिन ग्रामीणों की एक दरखास्त है, ग्रामीणों की एक रिक्वेस्ट जो है प्रशासन से भी और सरकार से भी, यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में जो एटीएम की बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे एटीएम लगना चाहिए। बड़ी बात यह है ना कि इस क्षेत्र में जो तपोवन इलाका है, इस दौर में जो हमारे आर्मी सेना के जवान भी एरिया में रहते थे, इनको भी यहाँ पर आर्मी को भी यहाँ पर अपने घरों को पैसा भेजना पड़ता है, तो दिक्कत तो आर्मी वालों को भी है, लेकिन स्थानीय लोगों ने ये मुद्दा उठा के जिला अधिकारी के समक्ष रखा है, कहीं ना कहीं जो एटीएम डिजिटल एजेंसी की जो बात सरकारें करती है, तो इसको लेकर अभी अस्तित्व जो है हमारा जो जनपद समूह जो तपोवन है अभी भी अस्तित्व है ना। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका।
अनलॉक के तहत उत्तराखंड सरकार की ओर से बसों को 100% सीट क्षमता के साथ संचालन की छूट दी गई है। साथ ही चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अनिवार्य कोविड जांच की शर्त को भी समाप्त कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार के इस निर्णय की निंदा की है। प्रीतम सिंह का कहना है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में बिना कोविड जांच के बिना चारधाम यात्रा की अनुमति देना तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है, इसलिए सरकार को अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। देखिए, सरकार जिस तरीके से कोरोना की इस महामारी में तुगलकी निर्णय ले रही है, इसकी कांग्रेस कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है। आपने देखा होगा कि सरकार ने निर्णय लिया कि बसों में जो है क्या नाम है सवारी जो है पूरी बैठा करके यात्रा करने की स्वीकृति सरकार देती है, लेकिन उसमें सरकार ने यह भी कहा कि हर यात्रा के बाद बस जो है सैनिटाइजर हो, सैनिटाइजेशन उसका करना पड़े सब दोस्तों के। नवीन शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नवीन, जिस तरीके से अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं, बिना कोरोना जांच के चारधाम यात्रा की अनुमति दे दी गई है, जिसको लेकर पूरा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अनलॉक 5 की जो गाइडलाइन है उसको जारी कर दिया गया है, इसके साथ ही अब जो कांग्रेस है वह हमलावर हो रही है सरकार के ऊपर। सरकार साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि जो चारधाम में जो भी यात्री आ रहे हैं उनका बिना कोविड टेस्ट किए हुए उन्हें चारधाम यात्रा पर भेजा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण है वह बढ़ जाएगा। इसको लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर हो रही है, सरकार को कह रही है कि सबके कोविड टेस्ट के बाद ही चारधाम यात्रा पे भेजना चाहिए। साथ में जो बसों का संचालन किया जा रहा है उसको भी पूरी तरीके से जो सोशल डिस्टेंस है उसका पालन करते हुए करना चाहिए। 100% जो खोलने की बात की जा रही है, इसको लेकर कांग्रेस साफ तौर पर सरकार पर हमला है कि कांग्रेस ये चाहती है कि जो भी यात्री आए, जो भी श्रद्धालु आए, उनका टेस्ट किया जाए, इसके बाद ही उन्हें पहाड़ पर भेजा जाए या चारधाम यात्रा पर जाए, जिससे कि वहां के लोग जो आम लोग हैं उनको भी दिक्कत ना हो और वह संक्रमित ना हो। जी, शुक्रिया आपका। हरिद्वार में राशन कार्ड न बनने पर लोग आक्रोशित हैं। लोगों ने जिला पूर्ति कार्यालय पर प्रदर्शन किया और आंदोलन की चेतावनी दी है। हरिद्वार में राशन कार्ड न बनने को लेकर कनखल थाना क्षेत्र स्थित ग्राम जगजीतपुर और आसपास के क्षेत्र के लोग काफी परेशान हैं। राशन कार्ड न होने की वजह से यह क्षेत्रवासी इस कोरोना काल में भी सरकारी सुविधाओं से वंचित है और इस समस्या को लेकर जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय पर स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर राशन कार्ड का काम शुरू नहीं होता तो सभी कार्यकर्ता आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं इस मामले में जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल का कहना है कि सभी फॉर्म की जाँच के बाद जल्द ही लोगों के राशन कार्ड बना दिए जाएंगे। राज बिहार फेज 3 में घर घर में जाके फॉर्म भरवाए थे और उनकी प्रॉपर फाइल बना के यहाँ पे आरएसओ कार्यालय में जमा करी थी। डीएसओ जी से मिला, आरएसओ से मिला, आरएसओ जी ने उस फाइल को किसी दुकान वाले को वेरीफाई चेकिंग करने के लिए दिया। मेरा ये कहना है कि अगर किसी का आवेदन पत्र भरा जाता है कि वो ऑफिस में भरना चाहिए, ऑफिस के कर्मचारी द्वारा भरना चाहिए। जिस समय चुनाव होते हैं तो इन लोगों की अधिकारियों की ड्यूटी वोटर लिस्ट के लिए, वोटर कार्ड बनाने के लिए घर घर दरवाजे में लोग जाते हैं, लेकिन हमारे राशन कार्ड जो हमारा मूल अधिकार है, मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, 5 किलो चना देंगे, ये देंगे, वो देंगे, देंगे कहां से? जब राशन कार्ड होगा तब तो दोगे। नंबर 58 का राशन कार्ड दिए हुए 3 माह बीत चुके हैं, परंतु बार बार हमारे अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी यहाँ पर लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं और टिप्पणी दी जाती है ऑनलाइन हो रहा है, समय लगेगा। राशन कार्ड हमारा अधिकार है जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जगजीतपुर नया क्षेत्र है, यहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आकर बसे हैं और इसमें हमारे सारे राशन कार्ड सब जगह अब ऑनलाइन हो रहे हैं और अगर कहीं किसी का राशन कार्ड आधार कार्ड कहीं पर किसी टैग है तो हम उसको राशन कार्ड नहीं बना के दे पाएंगे, क्योंकि जब तक वहां से नाम नहीं करते।
संजय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। संजय, जिस तरीके से लोगों द्वारा ये मांग की जा रही है कि इतना राशन देने की बात जो सरकारों की तरफ से की जा रही है वो मिलेगा कैसे? जाहिर बात है जब राशन कार्ड नहीं है और राशन कार्ड बन नहीं रहे हैं, क्यों ये समस्या उत्पन्न हो रही है? बिल्कुल, आपको बता दें पिछले कई दिनों से लोग हैं जो राशन कार्ड बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि जिनके राशन कार्ड बने हुए थे वो ऑनलाइन करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो संबंधित अधिकारी है, जिला पूर्ति अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं उनकी मनमानी कहे या ये कहे कि सिस्टम एक काम नहीं कर रहा है, तो इसी को देखते हुए लगातार जो मनमानी कर रहे हैं अधिकारी, इनका साफ तौर पर कहना है कि राशन कार्ड ना बनने से जो जो सुविधाएं होती है, जो सेवाएं होती है वो नहीं ले पाते। जिस तरीके से राशन कार्ड को देखकर ही जो सरकारी सुविधा से लगातार लोग वंचित रह जाते हैं, इसी की मांग करते हुए लगातार जो जो क्षेत्र है, क्षेत्र के लोग हैं काफी परेशान है, उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा है। इसी को देखते हुए जो क्षेत्र में लगातार लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके राशन कार्ड ना बनने से लोग आक्रोशित होकर धरना प्रदर्शन किया है। इसको अगर जल्द पूरी ना हुई तो एक बड़ा आंदोलन होगा। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि राशन कार्ड कब तक बनेगा और कब तक लोगों को सुविधाएं मिल पाएगी। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। हरिद्वार के पिरान कलियर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टेबाजी करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताते चलें, आईपीएल शुरू होते ही जहां खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है, वहीं सट्टेबाजी भी जोरों शोरों से चल रही है। हालांकि पुलिस लगातार सट्टेबाजों पर शिकंजा कस रही है। ऐसा एक मामला पिरान कलियर थाना क्षेत्र से सामने आया जहां पुलिस ने चार सट्टेबाजों को नकदी और अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया। कलियर थाना क्षेत्र जगमोहन रमोला ने बताया, आईपीएल मैच के दौरान कुछ लोगों के सट्टा लगाए जाने की सूचना मिल रही थी, जिसके चलते एसपी के आदेश पर टीम का गठन किया गया और सट्टेबाजों के अड्डे पर छापेमारी की गई। ये कल रात की घटना है। मुखबिर की सूचना थे एस की मदद से कलियर पुलिस के द्वारा चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम मुंतजिर है और नौसाद, शहनवाज और शहजाद। ये लोग आईपीएल में सट्टा लगा रहे थे और इनको जो है 8,700 रुपए के साथ में टीवी और जो है अन्य इक्विपमेंट था उसके गिरफ्तार किया है और इनके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई की गई है और आगे कोर्ट में पेश किया गया। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय, चार लोगों को सट्टेबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जानकारी लेना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, आपको बता दें लगातार इस क्षेत्र में जो सट्टेबाज है सक्रिय है इस वक्त। हालांकि आईपीएल चल रहा है, आईपीएल को देखते हुए लोग नए नए तरीके अपना रहे हैं। इसी का एक मामला हरिद्वार के पिरान कलियर क्षेत्र का है जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। हालांकि यहां चार युवक जो है वो गिरफ्तार किए हैं और उनसे सट्टे के जो संजय से हमारा संपर्क फिलहाल के लिए टूट गया है। तो आपको बता दें कि हरिद्वार में चार सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया जो आईपीएल में सट्टा लगाने का काम कर रहे थे। रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। All India ISC Class 12 Topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar Campus 1, who secured 99.75%, was awarded Rs. 2 lakhs as prize by CMS. Online classes in CMS will continue till the government reopens schools. Prescribed syllabus, book list and timetable are available on www.cmseducation.org. Admissions open in CMS for nursery to class 11th. Contact concerned CMS campus or helpline number 9510200500. बुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है Z5 पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में हटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर।
जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड में पर्यटन से पाबंदियों को हटाए जाने के बाद पहाड़ों की रानी मसूरी एक बार फिर गुलजार नजर आ रही है और देश के अलग अलग राज्यों से सैलानी मसूरी को खूबसूरत वादियों का लुफ्त उठाने आ रहे हैं। वहीं लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट से जूझ रहे व्यापारियों के चेहरे पर फिर से एक हंसी देखने को मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटन में मिली छूट के बाद एक बार फिर से मसूरी में पर्यटकों की रौनक देखने को मिल रही है। लंबे समय के बाद पहाड़ों की रानी मसूरी एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार है। शहर के लगभग 80% होटलों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। वहीं लॉकडाउन की मार झेल रहे व्यापारी इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसके चलते पर्यटकों के भारी संख्या में पहुंचने से व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं 2 अक्टूबर से लगातार 3 दिन की छुट्टी है, जिससे बड़ी संख्या में सैलानियों के आने की उम्मीद है। काफी दिन से, पिछले शायद 5-6 महीने से बंद था मसूरी, तो जो भी टूरिस्ट बाहर से आना चाह रहे थे नहीं आ पा रहे थे, तो अभी एकदम से जैसे उत्तराखंड ओपन हुआ है और मसूरी भी ओपन हुआ है यहाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। चहल पहल अच्छी है, लोग आ रहे हैं जो घूमने के लिए रुके हुए थे पिछले 5-6 महीने से, लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम भी आज सर थोड़ा सही, टूरिस्ट के बढ़ने के बाद कोविड के रूल रेगुलेशन को भी फॉलो किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, ऑलमोस्ट सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, 100% लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। ज्यादातर होटलों में एडवांस बुकिंग हो चुकी है। शहर में करीब 80% होटलों के कमरे बुक हो चुके हैं, जिससे होटल व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं। मसूरी पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि मसूरी एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जिससे वो लोग हमेशा छुट्टी होने पर मसूरी का रुख करते हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटकों की आवाजाही पर पाबंदी हटाने का ये निर्णय सराहनीय है। पर्यटकों का कहना है कि बाजारों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज किया गया है, पुलिस प्रशासन भी कोविड-19 के नियमों का अच्छी तरीके से पालन करा रहा है। टेस्ट के बाद ही हमारा आना हुआ है, पहले यह था कि आप कोविड टेस्ट करा के आएंगे, कोविड रिपोर्ट दिखाएंगे आप बॉर्डर पे, उत्तराखंड यूपी के बॉर्डर, तभी आप आ सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ने किया है ये बहुत अच्छा कदम है कि टूरिस्ट मसूरी आ सकते हैं, और ये अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट की तरफ से, मैं इसको अच्छा कहूँगा। कैसा लग रहा है आपको मसूरी? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा वेदर है, अच्छा एटमॉस्फेयर है, यहाँ घूमना बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह हम आज लोग आए थे और यहीं पर ही रुकेंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे से सब चीज़ें मेंटेन की हुई हैं, क्योंकि हमने केदारनाथ जी बद्रीनाथ जी पूरी यात्रा करी, और जहाँ पे भी पुलिस चेक पोस्ट थे उन लोगों ने हमारी कोविड की रिपोर्ट्स चेक करी, हमारे आधार कार्ड वगैरह चेक करे हैं, तो ये पता चल रहा है। और ओवरऑल मार्केट्स में हम आ रहे हैं, लेकिन सैनिटाइजेशन वगैरह बहुत अच्छे से किया हुआ है, और गवर्नमेंट स्पेशली ध्यान दे रही है कि मास्क लगाए हों, इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि कोविड अब एक ऐसी बीमारी हो चुकी है कि हमें जिसके साथ रहना है, अभी तक उसकी कोई मेडिसिन नहीं आई। तो ऑफकोर्स हम लोगों को पूरा 1 साल के लिए या ज़्यादा समय तक घरों में बंद नहीं कर सकते, तो हमें प्रिकॉशंस के साथ अपनी ज़िंदगी जीनी है। कोरोना को लेकर अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है, ऐसे में कोरोना के साथ ही जीना है, सभी लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। वहीं मसूरी कोतवाल देवेंद्र अस्वाल ने बताया कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी चेक चौराहों पर पुलिस की तैनाती की जा रही है, वीकेंड में जाम की स्थिति ना हो उसके लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, और साथ ही कोविड के नियमों का पालन कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 23 सितंबर से जब से जो है सारी है फॉर्मेशन खत्म हो गई है कि कोविड रिपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, तब से मसूरी में जो है लगातार पर्यटकों का जो है काफ़ी मात्रा में आवाजाही बढ़ गई है, और इसी उसमें जो है 2 अक्टूबर 3 तारीख और 4 तारीख को ये वीकेंड पड़ रहा है, इसमें जो है होटल एडवांस बुकिंग जो है मसूरी में काफ़ी हो चुकी है, इसके अलावा भारी संख्या में जो है पर्यटकों के आने की उम्मीद भी है।
इसके लिए हमने जो एक्शन प्लान तैयार किया है और अतिरिक्त फोर्स के लिए हमने जो है मांग SSP साहब से हमने मांग कर ली है और हमें जो है 2 अक्टूबर के आसपास हमें फोर्स मिल जाएगा। उसके अलावा हम लोग कोशिश करेंगे कि कहीं भी जाम ना लगे और पर्यटकों को जो है कहीं भी कोई असुविधा न होने पाए। इसके साथ साथ ये भी हम लोग चेक करेंगे कि सभी लोग जो है मास्क पहनेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखेंगे। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर पर्यटन से पाबंदियां हटाए जाने के बाद एक बार फिर से मसूरी गुलजार नजर आ रही है। वहीं पर्यटकों में भी खुशी की लहर है। मसूरी से लाइव टुडे के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कूका तुलसी गिलोय अर्क, इसमें तुलसी के साथ गिलोय भी है। इसका रोजाना इस्तेमाल आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। कूका तुलसी गिलोय, हमारी इम्यूनिटी के लिए। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्ता होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। किसान और उनकी समस्याएं, फसल और सरकारी योजनाएं, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज, पशु और पशुपालन की विधाएं, नई तकनीक और उनकी उपयोगिताएं, इन सब पर है हमारी नजर। देखिए कार्यक्रम खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कॉन्ट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मसूरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पिक्चर पैलेस चेक पर मोमबत्ती जलाकर हाथरस की गैंगरेप पीड़िता को श्रद्धांजलि अर्पित की और मसूरी ग्रीन चेक से पिक्चर पैलेस चेक तक रैली निकालकर पीड़िता को तत्काल न्याय देने की मांग की। बता दें उत्तर प्रदेश में हाथरस की गैंगरेप पीड़िता ने मंगलवार की देर रात दम तोड़ दिया था और वहीं देर रात पुलिस प्रशासन ने पीड़िता का जबरन अंतिम संस्कार करा दिया, जिसके बाद पूरे देश के लोगों में भारी आक्रोश है, जिसके चलते लोगों ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से चारों अपराधियों को तत्काल फांसी देने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता तब तक पूरे देश में अखिल विद्यार्थी परिषद सड़क पर उतर कर सरकार और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेगा। परिषद की इस घिनौने कृत्य के बाद सिर्फ एक ही मानसिकता है, एक ही सोच है कि ऐसे अपराधियों को एनकाउंटर मिलना चाहिए, बीच चौराहे में खड़े करके गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ऐसे कानून नहीं बना पाती है जिनसे अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। मैं कहना चाहती हूँ जो भी रेपिस्ट है उनको कड़ी से कड़ी सजा, जिस तरह उन्होंने सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। सुनील, जिस तरीके से हाथरस की पूरी घटना को लेकर देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, वहीं पर पीड़िता के लिए न्याय भी मांग रहे हैं और ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं उत्तराखंड से भी, क्या कहेंगे? देखिए जिस तरीके से हाथरस के 19 वर्षीय युवती के साथ कुछ घिनौनी हरकतें यहाँ पर 4 युवकों द्वारा की गई और उसको कहीं ना कहीं उसकी अब मृत्यु हो गई है, इसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है। और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने देर रात को युवती के शव को का अंतिम संस्कार कराया, उसको लेकर भी काफी आक्रोश यहाँ पर देखा जा रहा है। उनका ये कहना है कि सरकार, योगी सरकार को इसमें तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और जो चारों आरोपी हैं, बेशक न्यायपालिका में
समय बहुत ज्यादा लगता है और रेड्डी केस की तरह इनको सीधा इनका इनकाउंटर किया जाना चाहिए, जिससे कि इसका मैसेज लोगों में जाए और उन लोगों पे खासकर जो इस तरीके की खरीद करने की सोचते हैं और जो युवती है उसके परिवार को भी आर्थिक मदद करने की भी बात यहाँ पर कही जा रही है। जी, जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। वहीं हरिद्वार में भी बेकसूर युवती की निर्मम हत्या को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा, जिसके चलते पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति के अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने पुरानी सब्जी मंडी स्थित चौक पर आंखों पर काली पट्टी बांधकर दलित युवती को इंसाफ दिलाने के लिए धरना दिया। इस दौरान पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए धरने का समर्थन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और योगी सरकार से गुनाहगारों को सजा देने की मांग की। बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हैवानियत का शिकार हुई युवती 15 दिन से जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही थी, जिसकी दिल्ली के अस्पताल में मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की हाथरस में जो घटना घटी है, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ पूरा देश एक बार फिर शर्मसार हुआ है। सुशांत राजपूत की खबरें लगातार मीडिया द्वारा प्रकाशित करती जाती रही, लेकिन जब एक असहाय बच्ची का उसके साथ दुष्कर्म होता है, फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, ऐसे वक्त पर शासन प्रशासन, हमारा चौथा स्तंभ मीडिया, इसमें क्यों खामोश है? आज हमने तमाम उन सोई हुई आत्माओं को जगाने के लिए, जिनका जमीर मर चुका है इस भारत में, और जो शासन प्रशासन में जो आला अधिकारी बैठे हैं जिनका जमीर दिन प्रतिदिन मरता जा रहा है, उसके विरोध में आज का ये हमारा कार्यक्रम है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।